ਹਾਲਾ ਵੀਰੇ ਤੇਰੀ ਓਏ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਇਹ ਰਾਤ ਦੋ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਥੋੜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਓ ਬੋਲ ਬੋਲ ਥੋੜੀ ਯਾਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਓ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਇਤਨੇ ਕਲਰਸ ਕੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਆ ਜਮਨਜੋਤ ਭਜਾਈ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਗਿਫਟ ਕੀ ਦੀ ਨਾ ਓਏ 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 ਓ ਯਾਰ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲੂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਕੇ ਪਾਸ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਤੇ ਹੈ ਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਛੱਡਤੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਬੀ ਫੜ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆ ਤੇ ਗੋਕੁਲਧਾਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਿਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ ओ यारों के बीच में कोई प्लीज प्लीज नहीं होता ओ इतनी रात हो गई ना यार इसके लिए ओ कोई गल नहीं यार अभी के अभी जाता हूँ और तेरी गड्डी को ठीक करके वापस लेके आता हूँ ओ थैंक यू यार थैंक यू बोलेगा ना तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा ओ ठीक है यार नो प्लीज नो थैंक यू ओ ये हुई ना यार चल हम भी जल्दी रब रखा सत श्री अकाल जल्दी कर ओ यारो ओ चलो थोड़ा घूम के आते हैं किधर ओ यार मेरा दोस्त नहीं आया था बिचारी वो एयरपोर्ट जा रहा था तो उसकी गड्डी खराब हो गई है तो उसकी गड्डी को ठीक करना है और उसके बाद इसको इधर लेके आना है और इसी बहाने थोड़ी सैर वैर भी हो जाएगी आइडिया बढ़िया है छोटी लेकिन छोटी और लेकिन वेकिन की मैं तो साहब और लेखक आदमी हो अभी इस समय जाएंगे ठंडी ठंडी हवा खाएंगे और सबको बड़ा मजा आ जाएगा हाँ चलो चलो अरे पर देख अरे मेहता साहब इतना भी क्या डरते हैं अंजलि बाबी से नहीं डरता कौन है अंजलि से डरते कोई बात नहीं चलो देखी जाएगी चलो जाना कितनी दूर है ओ हाईवे पर हाईवे पे ओ बिल्लू के ढाबे तक बिल्लू के ढाबे चलो भाई चलो जा जा जीप लेके आ छोटे जेठा अपना जीप तो नहीं है ले कितने गई ओ यार बड़े टाइम से गड्डी के अंदर ना बहुत सारा काम था तो उसको ठीक करवाने के लिए गैराज पे रखी है तो फिर क्या पैदल चलेंगे हाईवे पे ना ना मेहता साहब वो नाके से टैक्सी ले लेंगे अब तो जा रहा चल तू भी चल नहीं नहीं सॉरी भाई आप लोग जाइए मुझे सवेरे जल्दी उठना है बहुत सारा काम है चल ठीक है तू ना चलो यारो बाहर से टैक्सी मिल जाएगी चल पड़ो लोगे ढाबे पे लस्सी बहुत अच्छी मिलती है क्या हुआ वो बापूजी टप्पू के पापा सारा शॉप गए हैं मैं कब से उनको फोन लगा रही हूँ पर उनका फोन बंद आ रहा है किन जेठिया अभी तक सोडा शॉप से आया क्यों नहीं ओ जेठिया क्या रोज सोडा शॉप से देर से आता है नहीं बापूजी वैसे तो वो रोज जल्दी आ जाते हैं हो सकता है आज दोस्तों के साथ गप्पे मारे होंगे इसलिए देर हो गई होगी लेकिन गप्पे लड़ाने के लिए फोन बंद रखने की क्या जरूरत है बापूजी हो सकता है कि उनके मोबाइल की बैटरी उतर गई हो वो क्या है कभी कभी उनके मोबाइल की बैटरी उतर जाती है ना तो उनको पता भी नहीं चलता लेकिन आज उसे पता चलेगा इतनी देर रात तक सोडा शॉप पे गप्पे लड़ाते बैठा है बबूचा कहीं का अब देर से आके बेल बजाएगा और हम सबकी नींद खराब करेगा तू और मैं तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे लेकिन वो लाट साहब सुबह देर तक सोता रहेगा आने दे उसे कैसी है गोकुलधाम की मंडली अरे रवि भाई कैसे हैं आप हम सब मजे में आप कैसे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ इतनी रात को कहाँ चली गोकुलधाम की मंडली और अभी ओ मेरा दोस्त है शहरी उसकी गड्डी खराब हो गई है यार बिल्लू के ढाबे के कोल कोई लाइन जा रहा एक गाड़ी के लिए इतने सारे लोग अच्छा अच्छा वो धक्का मारने के लिए काम आए इसलिए सबको साथ लिया है अजी भाई ओ तुसी टेंशन ना लो ओ मैं गड्डी फटाफट ठीक कर दूंगा फिर गड्डी लेके आ जाएंगे और मान लो अगर धक्का मारने की नौबत आई तो आती भाई मैं और आप गाड़ी में बैठ जाएंगे बाकी सब धक्का मारेंगे मजाक कर रहा हूँ छोटी भाई मुझे पता है तू फटाफट गाड़ी रिपेयर कर देगा फटाफट चले रवि भाई आप भी चलिए साथ में आपकी भी सैर हो जाएगी आप लोग तो खाना खा के जा रहे होंगे मेरा खाना भी बाकी है आप लोग जाइए मैं चलता हूँ ओके बढ़िया से खाइए टैक्सी आ चुकी है हां हां चलो ओ पाजी ओ हाईवे पे बिल्लू का ढाबा चलोगे चलेंगे सब क्यों नहीं चलेंगे हां आते भाई साहब वो क्या है ना मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम है
आप कोई दूसरी टैक्सी कर लीजिए ना। अरे भाई मैं समझ गया आप मुझे देख के डर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, पीछे वाली सीट पे मैं अकेले ही बैठूंगा और आप 100 रुपए ज्यादा ले लेना। ठीक है साहब, तो कहना आप बुरा मत मानना, टैक्सी मेरी खुद की नहीं। मेरे लिए ये रोज का है, बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। आइए बैठिए। अरे यार भाई क्या किया आपने? मैंने क्या किया? ठीक खाई ना, कर दिया ना अपशगुन। अरे लाल ये ठीक नेचुरल होता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। चलो अभी एक मिनट रुको, दो मिनट रुको, वरना कुछ बुरा होगा। अरे लाल क्या तुम ये सब में मानता है, कुछ नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, चलो हम लोग। हाँ चलो टैक्सी से। हाँ दूसरे पीछे बैठो, आ जाओ आदि भाई। सर अरे सर अब सुकून हो गया, अब तो कुछ गड़बड़ होगी। पुलिस वाले होकर अंधश्रद्धा में मानते हो? काम की बात करो, हम लोग वैसे क्या बात कर रहे थे? सर वो बिल्लू का ढाबा। हाँ बिल्लू का ढाबा, वहाँ बहुत ही चोरी चपाटी बढ़ गई है, बहुत कंप्लेंट आ रही है, बहुत न्यूसेंस बढ़ गया है वहाँ पर। सर हम उसी तरफ गश्त लगाने जा रहे हैं। गश्त तो आप लोग हर हफ्ते वहाँ लगाते हो, फिर भी वहाँ से कंप्लेंट क्यों आती है? सर पुलिस की जीप आने से पहले वो चोर उचक के रफू चक्कर हो जाते हैं शायद। तो अब हमें क्या करना चाहिए? श्रीवंशी जी आप तो सीनियर हैं, आप बताइए। सर वो पुलिस को हमेशा चोरों से एक कदम आगे की सोच रखनी चाहिए, इसीलिए तुम लोग वहां पर भेष बदल कर पहुंचोगे ताकि किसी को शक न हो कि तुम लोग पुलिस वाले हो। सर सिविल ड्रेस में ही क्यों, हम चरवाहे के भेष में जाते हैं, कोई हमें पहचानेगा भी नहीं कि हम पुलिस वाले हैं, उनको शक भी नहीं होगा। एक काम करो, आप लोग राजा महाराजा का मुकुट पहनकर वहां पहुंच जाओ, किसी को शक नहीं होगा। ये आइडिया तो और भी अच्छा है, तो किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। अरे राजा महाराजा का मुकुट पहनकर पुलिस के जीप में जाओगे तो किसी को शक नहीं होगा। श्रीवंशी साहब इतने सीनियर होकर कैसी बेतुकी बातें करते हो? हाँ सर थोड़ा अजीब तो लगेगा। अजीब नहीं बहुत अजीब लगेगा। आप लोग सिविल ड्रेस में वहां पहुंचोगे। हाँ पुलिस जीप का इस्तेमाल नहीं करो। जी जी सर। Come on, move, 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 move. ओ पेंटर बाबू बड़ा मन लग रहा है लॉकअप में। हाँ काम कब खत्म होगा आपका? लगता है आपका लॉकअप से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। जी साहब 40 साल से बिना केस के लॉकअप में जिंदगी बिता रहा हूँ। बिना केस के 40 साल से लॉकअप में जीवन बिता रहे? मतलब जब मैं छोटा था तब अपने दादाजी के साथ लॉकअप में आया करता था। दादाजी के साथ लॉकअप? समझा नहीं। पेंटिंग करने के लिए साहब, और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी के साथ आता था, और अब जब पूरा बड़ा हो गया हूँ तो खुद आने लगा हूँ। हमारा पेंटिंग का खानदानी धंधा है साहब, बड़ा मजा आता है लॉकअप में साहब। आप मानेंगे नहीं मेरे घर का इंटीरियर भी बिल्कुल लॉकअप के जैसा है। देखिए पेंटर बाबू ये लॉकअप गुनहगारों के लिए है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। आप यहाँ अगर रहेंगे तो बेचारे हमारे कैदी वहाँ तकलीफ में रहेंगे। आप जल्दी से इसका काम निपटा दीजिए प्लीज। बस तब थोड़ी देर जल्दी कीजिए प्लीज। जी साहब। सर प्लीज ये डिब्बा आगे रख देंगे? क्या है भाई इसमें क्या है? सर बीवी ने अपने हाथ से हलवा बनाया है, बोली रात को भूख लगेगी खा लेना। अकेले खाओगे या हमें भी खिलाओगे? अयूर आपको नहीं खिलाएंगे तो और किसको खिलाएंगे? क्या बात है, बहुत खूब, इसे रात देर में खाएंगे मजा आएगा। हाँ सर अगर बिल्लू के ढाबे के आसपास गंद मचाने वाले चोर चक्के मिल जाएंगे ना, ये हलवा और भी मीठा लगेगा। सही कह रहे हो, अब इन चोर उचक्कों की खैर नहीं। बूढ़ी हमारे दोस्त का ढाबा कितनी दूर है? अरे हाथी भाई दोस्त का ढाबा नहीं, दोस्त की गड्डी जो हम रिपेयर करने जा रहे हैं। लेकिन तुमने तो कहा था वो ढाबे के पास है। हाँ तो कितनी दूर है? क्यों भूख लग गई? अरे मुझे तो ढाबे का नाम सुनते ही भूख लग गई थी, ऊपर से हमने सोडा पी लिया सब हजम हो गया। सबर रखो बस थोड़ी दूर है अभी आ जाएगा। डॉक्टर सर अगर 5 मिनट गाड़ी रोक देंगे मुझे जोर से प्यास लगी है, मैं पानी पी लूंगा। हाँ सर मुझे भी थोड़ा इमरजेंसी है। ठीक है गाड़ी साइड में रोड पर भी रोक दो, ढाबा थोड़ा अंदर है, हम लोग चलकर चले जाएं। जी सर। और हाँ चाय नाश्ता सब अच्छी तरह से कर लेना ताकि गेस्ट करने में कोई परेशानी ना हो। जी सर। चलो गड़ी हो गया, ढाबा आ गया।
अरे आती भाई, और जिस गड्डी के पास पहुंचना था वो गड्डी आ गई। हाँ तो ढाबा भी तो यही है ना। अरे ये ना इसके पास में रोकना जरा गाड़ी के। आई लग गया गड्डी। ओ बाबू जी कितने पैसे हुए? आप ये रुकना। ये गाड़ी है। अरे सोड़ी तुम्हारी टैक्सी कहाँ है? भेज देते। भेज दी क्यों? वो शहरी की गाड़ी अभी ठीक हो जाएगी तो हम सब उसी में बैठ के वापस जाएंगे ना। हाँ लेकिन मान लो अगर गाड़ी रिपेयर नहीं हुई तो। पिड़ो तुम मेरी काबिलियत पे डाउट कर रहा? अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारी काबिल पे जरा भी डाउट नहीं कर रहा हूँ। 99% तुम गाड़ी ठीक कर ही दोगे, लेकिन 1% चांस है ना कि अगर गाड़ी रिपेयर नहीं हुई तो क्या? इतनी सुनसान सड़क पे रात को टैक्सी भी नहीं मिल सकती ना, तो उस 1% के लिए वो टैक्सी का होना जरूरी था, इसलिए पक्की। तो ऐसे कैसे ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी? अभी कर दूंगा। ओ भाई साहब पैसे कितने हुए? चलो जाओ आप। ये टैक्सी भी जाने दी। अरे तो ठीक है ना भाई, जैसे डॉक्टर को मरीज की नब्ज देख के पता चल जाता है कि ठीक होगा कि नहीं, वैसे ये गाड़ी का डॉक्टर है भाई, इसको गाड़ी देखते ही पता चल जाता है कि गाड़ी ठीक होगी कि नहीं होगी। बराबर ना छोटी? एकदम बराबर है जनाब, एकदम बराबर है। कॉन्फिडेंस तरी? अरे तरी मिसळ पाव मते असते इकडे कुठे। मिसळ पाव? मिसळ पाव का नाम सुन के तो मेरी भूख डबल हो गई। सोडी हाँ तुम गाड़ी ठीक करो, तब तक मैं ढाबे पे होके आता हूँ। ढाबा? ढाबा का ये रहा सामने बोर्ड। ओ बिल्लू दा ढाबा, अच्छा इस तरफ है वो। अरे आती भाई वो गड्डी अभी ठीक हो जाएगी, फिर एक साथ ही चलते हैं ढाबे पे लस्सी पीने। ये भी अच्छा है। ओहो ढाबे पे भी जाना है तो फिर तो ठीक है, फिर मैं मादी को फोन करके बोल देता हूँ, नहीं तो खामा का चिंता करेगी। हाँ बोलते बोलते सही रहे। अरे देवा काय झाला? अरे मोबाइल तो थोड़ा शॉप पे रह गया। अरे मेरा मोबाइल भी थोड़ा शॉप पर रह गया। अरे आपका क्या यार भाई, हम सबका मोबाइल उधर ही रह गया है ना। स्विच्ड ऑफ। अरे देवा अभी माधवी कितना टेंशन करेगी, अंजलि तो फोन पे फोन कर रही होगी, अमल भी फोन ट्राई कर रही होगी, हम सबकी वाइफ फोन करने का ट्राई कर रही होगी। कमाल छे, रोशन का फोन बंद क्यों आ रहा है? कहीं सोडा शॉप का बोल के पार्टी शार्टी करने तो नहीं चल गया? एक काम करती हो, माधवी भाभी से जाकर पता करती हो। हाँ आई ठीक छे। अरे रोशन भाभी आई आई है। माधवी भाभी भिड़े भाई घर पे आ गए क्या? नहीं वो सोडा शॉप पे है ना। रोशन पर सोडा शॉप का बोलकर गया था लेकिन अभी तक घर पे आया नहीं है, उसका फोन भी बंद आ रहा है, मैंने उसको कितने फोन लगाए सु मालूम सु उठाई हूँ। रोशन भाभी चिंता मत कीजिए, मैं इनको फोन करके पूछती हूँ। आइए ना आइए। लगा लो। मैं भी सोच ही रही थी आज लेट हुआ नहीं। हाँ, बहुत लेट हो गया। देखती हूँ आपके द्वारा डायल किया। अगमे इनका भी फोन नहीं लग रहा है। ओ खुड़े जी भिड़े भाई का भी फोन नहीं लग रहा। हाँ क्या हुआ होगा, चौक्कस कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं अपने सोसाइटी के लेडीज को फोन करके पूछूं। हाँ प्लीज लगा रोनी, जल्दी लगाओ। टप्पू के पापा का फोन बंद क्यों आ रहा है? उनको कैसे बताऊं, बापूजी बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो दया भाभी। ओ बिल्ली बहन बोलिए बोलिए। क्या है सोडी भाई और मेरे ये सोडा शॉप से अभी तक वापस आए नहीं है और फोन भी नहीं लग रहा है, तो जेठा भाई घर पे आ गए क्या? नहीं टप्पू के पापा भी अभी तक घर पर नहीं आए। हाँ हंस भी, मैं कब से उनका फोन लगा रही हूँ, उनका फोन भी बंद आ रहा है। अय्यर भी अभी तक सोडा शॉप से आया नहीं है। ओहो इनफैक्ट मैं भी उसे फोन ही करी थी पर उसका फोन नहीं लग रहा है। लो मैंने भी थोड़ी देर पहले जब तारक को फोन लगाया था तो उन्होंने उठाया था, लेकिन अभी जब फोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। हंस का भी फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। ओ, अरे हाँ कहीं आज हमने उनके प्रेम की परीक्षा ली
कहीं उसी वजह से तो? नहीं नहीं दया भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, सोडा शॉप पे खुद जाकर देख के आते हैं। हाँ 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 ये बराबर। ठीक है तो फिर हम अभी के अभी कंपाउंड में मिलते हैं। ओके बापूजी, मैं जरा नीचे जाके आती हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो बापूजी, मेरी अभी कोमल भाभी, भीड़े बहन सबसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मेहते साहब, अय्यर भाई, भीड़े भाई, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है, सबके फोन बंद है। बोलो सबके फोन बंद है? जीप बात है। हाँ, इसीलिए बापूजी हम सारी लेडीज सोडा शॉप जा रहे हैं। चल मैं भी आता। हाँ हाँ टेंशन मतलब भिड़े मास्टर, अब्दुल सबको बता देगा कि हम लोग छोटी के दोस्त की गाड़ी लेने गए। लेकिन हाथी भाई, अब्दुल उसके लिए शॉप पे होना चाहिए, घर जाके सो गया होगा तो। यार ये हम सब लोगों ने अब्दुल की शॉप पे मोबाइल छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, बड़ी गड़बड़ हो गई। ये सही बात है। किसी के फोन कैसे नहीं लग रहे हैं? आप लोगों को कुछ पता है वो लोग कहाँ गए हैं? कुछ पता है? नहीं ना दया। हाँ मतलब हमें भी कोई फोन वोन तो कुछ नहीं किया। हाँ तो सोडा पीने जाते हैं हमेशा उसी तरह से गए। और अरे मेरी बात सुनो, यहाँ खड़े रह के बातें करने का कोई मतलब नहीं है, चलो सोडा शॉप चलो। चलो चलो पता चल जाएगा। अंजलि कितनी चिंता कर रही होगी, मैं इसीलिए नहीं आ रहा था। और जेठालाल तुम बोल रहे थे कि मैं अंजलि से डरता हूँ, इसमें डरने वाली बात नहीं है भाई। अंजलि से नहीं डरता मैं अंजलि के स्वभाव से डरता हूँ। अच्छा थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, थप्पड़ मारने वाले से डर लगता है। क्या ये भिड़े जेठालाल, ये मजाक की बात नहीं है, तुम अंजलि का स्वभाव नहीं जानते। अरे खुद भी चिंता कर रही होगी और सारी सोसाइटी वालों को चिंता करा रही होगी, अब तक तो सोसाइटी को सर पे उठा लिया होगा। क्या बराबर हंस रहे थे अभी तुम? ओ तुसी चिंता ना करो, ओ अभी गलती ठीक कर दो तो फिर चलते अपने गोकुलधाम सोसाइटी। सॉरी थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि ये एरिया बहुत जंगल जैसा लग रहा है। हाँ वाकई कितने घने घने पेड़ है यहाँ पे। अरे वो देखो मैंने सामने ही देखा था, काला काला इतना बड़ा काला सांप। अरे थप्पड़ भी पिड़ू को सांप दिख रहा है। ओ पिड़ू, ओ देख तेरा सांप। इधर आओ, इधर आओ जरा, सांप पकड़ लगा। अरे क्या कर दूं, इधर आ तो सही। अरे सांप है, सांप है। अरे सांप नहीं है, इधर भगा दिया। इतने जोरों से धक्का मारते हो यार, ओ सर साप साप ओ, साइकिल का टायर के ट्यूब है ये। क्या अस्परम, सॉरी सॉरी, वो यार दूर से एकदम सांप लगा है। क्या भीड़ है, खामखा डरा दिया सबको। हाँ पिड़ू जी कह चुकी है अय्यर की वजह से। अस्परम मैंने क्या किया? तुमने बोला ना कि ये एरिया जंगल जैसा लग रहा है, ये सुन के मुझे वो ट्यूब में सांप नजर आया। इसमें मैंने क्या गलत बोला? अभी जंगल में कितना पेड़ होता है, यहाँ पर भी देखो जगह जगह पर कितना सारा पेड़ है। अरे ठीक है, आपको ये जंगल लगा तो उसमें जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? मन ही मन में खुश हो जाते कि वाह कितना बढ़िया जंगल है, वाह मजा है। नहीं और नहीं तो क्या, जंगल जंगल जंगल, सांप सांप सांप, हम लोगों के हाथों में तोते उड़ गए थे भाई। सुनसान सड़क है, पास में फोन नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, ऐसे में सांप काट जाता तो कहाँ जाते हम लोग? काटता कैसे, सांप तो था ही नहीं। अरे आइए भाई, ये तो बातें पता चला ना कि सांप नहीं था, वो ट्यूब थी। अरे भाई फालतू के इस डिस्कशन को बंद कीजिए, सोडी तुम जल्दी से गाड़ी रिपेयर करो, यहाँ से चलते हैं। अरे गड्डी तो मैं रिपेयर कर दूँ, पर चाबी तो मिले। चाबी? चाबी मिले मतलब? मतलब हाँ। ओ मतलब ये कि जब ये पिड़ू बोला ना सांप सांप, ओ तो मैं उधर भागा सांप की तरफ, और ये सांप भागे मेरी तरफ, और ठक करके हमारी जब टक्कर हुई तो चाबी उसी चक्कर में गिर गई। देखा भिड़े, तेरी वजह से अभी चाबी गुम हो गई। मेरी वजह से? अरे मैंने थोड़ी छोड़ी को धक्का मारा, आइए ने धक्का मारा ना उसको। यार भाई, अरे आसाराम तुम इधर सांप सांप ऐसा बोल रहे थे तो मैं डर के भागा तो टकरा गया। अरे भाई हम लोग ये बेतू की दलील ही करते रहेंगे या चाबी ढूंढेंगे? ढूंढे चाबी, हां ढूंढते ढूंढते। हम सब एक गाड़ी लेने आए और चाबी खो जाए। हो गई चाबी? अरे हमारे पास चाबी होती तो हमें ये तो पता चल जाता कि ये जो गाड़ी है वो सोडी के दोस्त की नहीं है, पर हम बेचारों को तो ये भी पता नहीं है कि ये गाड़ी पुलिस की है, अब क्या होगा? सोडी तो मैकेनिक है,
वो तो कोई भी गाड़ी खोल सकता है, कोई भी गाड़ी स्टार्ट कर सकता है, तो ये गाड़ी भी शुरू हो जाएगी, सोडी कर देगा। लेकिन आप सोच लीजिए, अगर हम पुलिस की गाड़ी ले गए तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा? उधर गोकुल धाम में लेडीज बड़ी परेशान है, चाचा जी गुस्से से आग बबूला है, क्योंकि हमारा फोन लग नहीं रहा है। और फोन क्यों नहीं लग रहा है? आप जानते हैं स्विच ऑफ फोन है, अब्दुल की दुकान पे हम फूल आए तो खतरे के पूरे पूरे आसार है। अब क्या होता है, यहाँ गाड़ी की चाबी गुम है, पुलिस की गाड़ी है, सोसाइटी में सब परेशान है, लेकिन आप घरों में ठाक हो। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।